हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क। इससे पहले हमने न्यूरल नेटवर्क के बारे में पढ़ा और न्यूरल नेटवर्क के डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा, जिसको हम बोलते हैं कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। तो बेसिकली हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की बात करें, जिसको हम बेसिकली इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं, या किसी अदर न्यूरल नेटवर्क की बात करें जिसको हम लैंग्वेज प्रोसेसिंग या फिर ऑडियो की प्रोसेसिंग या फिर किसी अदर रोबोटिक्स एक्टिविटीज में हम यूज करते हैं। बेसिकली इन सभी नेटवर्क्स को यूज करके हम अपनी मशीन्स को पावरफुल बनाते हैं, हम अपनी मशीन्स को मैन के इक्वलेंट, मैन मशीन को ह्यूमन के इक्वलेंट बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज जो हम नेटवर्क्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क। इसके थ्रू हम मशीन की इमेजिनेशन पावर को इंक्रीज करते हैं, मतलब मशीन मशीन की कल्पना शक्ति को हम इंक्रीज करते हैं, मशीन में एक कल्पना शक्ति लाते हैं। जैसे इससे पहले क्या था, हम बहुत सारे डेटा सेट देते थे और उन डेटा सेट को इमेज को क्लासिफाई करते थे, मतलब इमेज को अलग अलग करते थे कि डॉग की इमेज है, कैट की इमेज है। इससे पहले हम लैंग्वेज का ट्रांसफॉर्मेशन करते थे, हिंदी उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, इंग्लिश भोजपुरी में कन्वर्ट कर दिया, ऑडियो को एक ऑडियो को दूसरे ऑडियो को ट्रांसफॉर्म करते थे, एक एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज के ऑडियो में ट्रांसफॉर्म करते थे। लेकिन बेसिकली आज जो हम अप्रोच पढ़ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं गैन, जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क, इस नेटवर्क के थ्रू हम मशीन की इमेजिनेशन पावर, इमेजिनेशन पावर का मतलब उसकी कल्पना शक्ति को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और मशीन के अंदर हम कल्पना इंक्रीज नहीं कहेंगे, मशीन के अंदर हम कल्पना शक्ति लेकर के आते हैं। ठीक है, मशीन को हम मशीन में हम इमेजिनेशन पावर ले आते हैं, उसके अंदर कल्पना शक्ति को हम इनबिल्ट करते हैं। तो बेसिकली मशीन के अंदर कल्पना शक्ति लाने के लिए ही हम जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क यूज करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही होगी। इस इमेज को अगर मैं बोलूं कि अगर सपोज करिए कोई पेंटर अगर इस इमेज को बनाना चाहता है, तो उसके माइंड में बहुत बहुत सारे कैलकुलेशन चलेंगे, बहुत सारी कल्पनाएं चलेंगी, मुझे कौन से कलर यूज करने हैं, कितने स्ट्रोक्स यूज करने हैं, ठीक है, किस जगह पे डार्कनेस देनी, किस जगह पे लाइटनेस देनी है, ठीक है, किस तरह से इसकी मैं आउटलाइंस डिजाइन करूंगा। ये बहुत सारी जो कल्पना शक्ति है, ठीक है, ये क्या है, बेसिकली इस पेंटिंग के रिगार्डिंग वो सारे फीचर्स को क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। इस पेंटिंग को ड्रॉ करने के रिगार्डिंग वो सारे फीचर्स को कैलकुलेट कर रहा है। तो बेसिकली वो पेंटर कर क्या रहा है, अपने माइंड में इस इमेज के लिए बहुत सारी कल्पनाएं कर रहा है, ठीक है, बहुत सारे इमेजिनेशन कर रहा है। सेम ईयर अगर मैं ये कहूँ कि इसी पेंटिंग को अगर हम एक मशीन के थ्रू बना रहे हैं, इस पेंटिंग को एक मशीन ने बनाया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इस किसी भी गिवेन इमेज की अगर क्लोनिंग करते हैं, किसी भी गिवेन इमेज को हम से मशीन के थ्रू अगर डिजाइन करना चाहते हैं, पेंट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो बेसिकली हमें हमें उस मशीन को ट्रेंड करना होता है। उस ट्रेनिंग के लिए हमें कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस यूज करने होते हैं, जो कि गैन में यानी जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क में हम यूज करते हैं, और वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही है। ठीक है, अभी इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आगे हम समझेंगे। बेसिकली अभी हमें आप ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में हमारी कोशिश यही रहती है कि हम मशीन को ह्यूमन बीइंग से ज्यादा ताकतवर बना सके। ठीक है, तो बेसिकली अभी तक हमने जितने भी मेथड्स पढ़े, जितने भी नेटवर्क्स पढ़े, जितने भी एल्गोरिदम पढ़े, ठीक है, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं अलग अलग मेथड, अलग अलग नेटवर्क, अलग अलग तरीके से हम एक मशीन को ह्यूमन बीइंग की तरह बनाता था, या ह्यूमन बीइंग से ज्यादा स्ट्रांग बनाता था। तो उसी तरह से आज हम एक नया अप्रोच लेके आए, जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क, जिसमें हम मशीन की कल्पना शक्ति को क्या कर रहे हैं, मशीन में कल्पना शक्ति लेकर के आ रहे हैं, मशीन में इमेजिनेशन पावर लेकर के आ रहे हैं, और उसी इमेजिनेशन पावर को यूज कर डिजाइन करने के लिए या फिर मशीन में लाने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसको बोलते हैं जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क। अब अगर यहाँ देखिए, अगर मैं ज्ञान को समझाने की कोशिश करूँ, बेसिकली ज्ञान करता क्या है, तो यहाँ पे आपको एक मोनालिसा की पेंटिंग दिख रही हो, ठीक है, और राइट साइड में एक और पेंटिंग, एक लेडीज की पेंटिंग है, जिसको रवि वर्मा एक बहुत मशहूर पेंटर है, जिन्होंने इस पेंटिंग को बनाया है। लेकिन इन दोनों पेंटिंग को, इस पेंटिंग को, मोनालिसा की पेंटिंग को और इस रवि वर्मा द्वारा बनाए गए इस लेडी की पेंटिंग को, हमने क्या किया, यहाँ पे क्लब करके, ठीक है, या इन दोनों इमेजेस को
यूज करके हमने अपनी इमेजिनेशन पावर लगा के हमने एक नई इमेज बना दी, ठीक है, वो ये इमेज बीच वाली है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो जो ज्ञान है हमारा जनरेटिव एडवर्टल नेटवर्क है वो बेसिकली यही करता है, वो ओल्ड पिक्चर्स की इंफॉर्मेशन को एज अ रॉ डेटा की तरह यूज करता है, ठीक है, और फिर उस रॉ डेटा से कुछ फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है। वो क्या करता है, फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है और फिर क्या करता है, उस फीचर को यूज करके वो एक नया आउटपुट जनरेट करता है जो कि सेम इनपुट जैसा ही होता है, जस्ट लाइक अ क्लोनिंग। लेकिन इससे पहले अगर आपको याद होगा तो इससे पहले हम जितने भी नेटवर्क पढ़ते थे हम उसमें हमें फीचर्स गिवन होते थे, यानी इनपुट साइड में हमें फीचर दिए जाते थे, उन फीचर को यूज करके हम लेबलिंग करते थे। लेबलिंग करना मतलब ये बताते थे ये डॉग की इमेज है या कैट की इमेज है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम फीचर टू लेबल्स में नहीं जा रहे हैं, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, फीचर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और फिर उसी फीचर को यूज करके एज आउटपुट में एक नई इमेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बोथ आर डिफरेंट थिंग, सो यू कैन से दैट कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एंड जनरेटिव एडवर्टल नेटवर्क बोथ आर डिफरेंट थिंग। सो अगर 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 हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की अगर बात करें, ठीक है, तो बेसिकली अगर हम ज्ञान की बात करें, जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क की अगर बात करें, तो बेसिकली जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क में हमारे दो दो मेन प्लेयर्स हैं जिन पे पूरा का पूरा नेटवर्क टिका होता है। पहला प्लेयर होता है हमारा जनरेटर, एंड सेकेंड प्लेयर इज डिस्क्रिमिनेटर, ठीक है। ये दो प्लेयर ऐसे हैं जो जो मेन रोल प्ले करते हैं किसी भी ज्ञान में या किसी भी जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क। सो व्हाट इज द रोल प्ले ऑफ जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर? तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि हम जो ज्ञान यूज कर रहे हैं वो ज्ञान बेसिकली किसी भी गिवन इनपुट डेटा सेट्स के फीचर को निकाल के उन्हीं फीचर को यूज करके एक नया आउटपुट जनरेट कर रहा है जो कि हमारे इनपुट से मैच करता है, ठीक है। यानी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक ओल्ड इमेज को लेकर के उसकी जैसी एक इमेज बना रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे एप्स आ रहे हैं जिसमें आप अपनी फोटो डालते हैं वो आपकी बचपन की फोटो बना देता है, या फिर आपके 60 साल बाद की फोटो, आपकी 60 साल बाद आपकी आप कैसे दिखेंगे वैसी फोटो बना देता है। तो बेसिकली वो करता क्या, वो एप्लीकेशन एक जनरेटिव एडवर्टल नेटवर्क को फॉलो करता है और आपके इमेज को एज अ रॉ डेटा यूज करते हुए उस इमेज के फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है और उस फीचर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो किसी ओल्ड एज पर्सन के उस फीचर्स को इसमें ऐड करके एक नया आउटपुट जनरेट करता है जो कि आपके इनपुट से अप्रोक्सीमेटली मैच करता है, जो कि इनपुट साइड में जो इमेज है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि आप आज कैसे दिखते हैं और आउटपुट साइड में जो इमेज है वो भी आपकी इमेज है जो ये बताती है कि आप 60 साल बाद या 80 साल बाद कैसे दिखेंगे। तो बेसिकली जब हम जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क की बात करते हैं तो यहाँ दो मेन गेम प्लेयर है, पहला हमारा जनरेटर और दूसरा डिस्क्रिमिनेटर। तो बेसिकली जनरेटर की अगर बात करें तो जनरेटर भी एक न्यूरल नेटवर्क है और डिस्क्रिमिनेटर भी एक न्यूरल नेटवर्क है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो ज्ञान है जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क है, ये ज्ञान दो तरह के न्यूरल नेटवर्क से मिलकर बना होता है। जो पहला न्यूरल नेटवर्क हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं जनरेटर और जो दूसरा न्यूरल नेटवर्क हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटर। तो बेसिकली जो हम जनरेटर यहाँ यूज करते हैं बेसिकली यही जनरेटर हमारे रॉ डेटा यानी जो हमारे इनपुट सेट है उस इनपुट सेट के फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है, एक नई इमेज को जनरेट करता है जिसको हम बोलते हैं फेक इमेज। हमारे इनपुट सेट में जो डेटा है वो रियल इमेज है, उस इमेज को यूज करके हमारे जनरेटर क्या करता है एक फेक इमेज जनरेट करता है। अब जो दूसरा न्यूरल नेटवर्क यानी दूसरा प्लेयर जो है जिसको हम डिस्क्रिमिनेटर बोल रहे हैं, बेसिकली ये डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है, हमारे आउटपुट जनरेटर के आउटपुट साइड में जो इमेज आई है उस इमेज को एज अ इनपुट ये डिस्क्रिमिनेटर लेता है और जो रियल इमेज है, ठीक है, उस रियल इमेज को भी एज अ इनपुट लेता है और इन दोनों क्या करता है, कंपेयर करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है, उनमें भेदभाव करता है, चेक करता है कि दोनों किस हद तक सही एक दूसरे से मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है ये जो जनरेटर है ये धोखा देने का काम करता है और डिस्क्रिमिनेटर जो है
उस फेक इमेज में गलतियों को पकड़ करके जनरेटर को स्लैप करता है, उसको थप्पड़ मारता है कि नहीं तुमने जो बनाया है वो बिल्कुल गलत है। तो कहीं ना कहीं जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर एक दूसरे को गलत करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जनरेटर उस ओरिजिनल इमेज का फेक इमेज बनाता रहता है, डिस्क्रिमिनेटर उसको डिस्कार्ड करता है, फिर जनरेटर उस इमेज को और अपग्रेड करता है और उसको और क्रिएट करता है, और ताकि डिस्क्रिमिनेटर उस गलतियों को, उस फेक को आइडेंटिफाई ना कर सके। फिर डिस्क्रिमिनेटर उन फेक को आइडेंटिफाई कर लेता है, फिर जनरेटर क्या करता है उसमें और ज्यादा कुछ चेंजेस करता है, कुछ पैरामीटर्स मैनिपुलेशन करता है, ठीक है। तो ये जो इटरेशन चल रहा है, एक वो जनरेटर ने अपना ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर डिस्क्रिमिनेटर ने उसको चेक किया, डिस्क्रिमिनेटर और जनरेटर ने कुछ लॉस फाइंड आउट किया, जिस लॉस के बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेटर ने जनरेटर को बोला नहीं ये गलत है, जनरेटर ने फिर कुछ अपना अपडेशन किया और इमेज को और फेक बनाने की कोशिश किया ताकि डिस्क्रिमिनेटर उसको पकड़ ना पाए। ये जो प्रोसेस है ये तब तक चलता रहता है, जब तक इक्विलिब्रियम स्टेज ना आ जाए कि डिस्क्रिमिनेटर ये कह दे कि हाँ दिस इज योर रियल इमेज, ठीक है। तो बेसिकली अगर जनरेटर की बात करें तो ये आप जानते हैं कि जब भी हम कोई नेटवर्क यूज करते हैं तो वो नेटवर्क ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो इनिशियली जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वो हमारे एक्सपेक्टेड आउटपुट से मीट होगी। तो कहीं ना कहीं न्यूरल नेटवर्क को ट्रेनिंग के दौरान हम कुछ एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, चाहे वो सिग्मॉइड फंक्शन हो, चाहे रेलू फंक्शन हो, चाहे कोई फंक्शन हो। बैच नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं पैरामीटर्स को नॉर्मलाइज करने के लिए, ठीक है। कन्वोल्यूशनल, इसमें इसमें हम कन्वोल्यूशनल लेयर भी यूज करते हैं क्योंकि हम इमेजेस यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली एक जनरेटर के पीछे आप देखिए कई तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, कई तरह के नेटवर्क्स यूज हो रहे हैं। जैसे हम एज अ फंक्शन हम एक रिलू एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर रहे हैं, बैच नॉर्मलाइजेशन मेथड को यूज कर रहे हैं, कन्वोल्यूशनल लेयर को यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जनरेटर जो है कई सारे मेथड्स और कई सारे मेथड्स और कन्वोल्यूशनल लेयर को मिला के बनता है। और डिस्क्रिमिनेटर बेसिकली एक सिंगल नेटवर्क होता है जो कि एक क्लासिफायर की तरह काम करता है। क्लासिफायर मतलब वो उसके पास दो इमेजेस होती है, ओरिजिनल इमेज और फेक इमेज, वो क्लासिफाई करता है कि दोनों सेम है या नहीं सेम है, ठीक है। तो बेसिकली डिस्क्रिमिनेटर जो है एक क्लासिफायर की तरह काम करता है, और एक तरह से ऐसे समझिए जो जो डिस्क्रिमिनेटर है, ठीक है, वो एक तरह से लीनियर क्लासिफायर है, ठीक है, लीनियर क्लासिफायर है। और ये जो जनरेटर होता है बेसिकली जनरेटर एक तरह से अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बेस्ड अप्रोच पे काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू GAN का यानी जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि बेसिकली इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये काम कैसे करता है और इसको हम किस किस जगह यूज करते हैं। तो बेसिकली अभी तक हमने ये समझ लिया कि बेसिकली GAN का यूज GAN को हम क्यों यूज करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि हम मशीन के अंदर इमेजिनेशन पावर ला सकें, ताकि वो किसी भी एक इमेज को किसी भी अदर तरह की इमेज में कन्वर्ट कर सके। अब बेसिकली हमने ये समझ लिया कि GAN बेसिकली काम कैसे करता है, इसके कौन कौन से मेन मेन एंटिटीज हैं जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क के। अब अगर बेसिकली एप्लीकेशन की अगर बात करें तो जो GAN है, ठीक है, जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क जो है, इसको बेसिकली आपने देखा होगा आजकल एक ऐप ऐप आया हुआ है जिसमें हम कोई भी किसी की भी इमेज डाल दें और एक वीडियो बन के आती है जिसमें बोलता आई ऊ आई ओ। तो इस तरह की आप मतलब कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी इमेज को डाल रहे हैं, ठीक है, किसी भी इमेज को डाल रहे हैं, और बेसिकली हमारा जो एप्लीकेशन है वो GAN नेटवर्क को यूज करके, उस स्पेसिफिक इमेज को एक ऑडियोबल वीडियो के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मतलब हमारा इमेज जो कि बोल नहीं सकता है, उस इमेज से हमारा ये एप्लीकेशन, हमारा ये जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क उस इमेज को एक एक्टिव वीडियो में बदल देता है, जिसमें वो इमेज एक हमें बोलता हुआ प्रतीत होता है, हमें बोलता हुआ दिखता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम GAN का यूज किसी भी इमेज को एक ऑडिबल ऑडिबल फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली GAN करता क्या है,
जैसे सपोज करिए हम मोनालिसा की पेंटिंग है, तो बेसिकली बेसिकली इस मोनालिसा की पेंटिंग के फेस की जो भी पोजीशंस हैं, पोजीशंस को हम यूज करते हुए, और जब हम इस मोनालिसा की पेंटिंग की जो फेशियल एक्सप्रेशन है ठीक है उसके डायमेंशंस को यूज करते हुए साथ ही साथ हम कुछ 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 ह्यूमन बीइंग्स के डिफरेंट डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशन को जिसमें जिसमें वो बोल रहे होते हैं, कुछ कह रहे होते हैं, और उन बोलने और कहने के दौरान उनका आंख का, मुंह का, उनके चीक का जो डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन है, उन डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन बींग के ऑडियबल ऑडियबल फेशियल एक्सप्रेशन को जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो 10,000 यूजर हो सकते हैं, 1,000 यूजर हो सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट यूजर के लाइव डेटा को हमने कैप्चर किया एज वेल एज मोनालिसा की पेंटिंग को कैप्चर किया, जिससे मोनालिसा का फेशियल एक्सप्रेशन जिस ऑडियबल इमेज वीडियो से ऑडियबल एक्सप्रेशन से मैच करता होगा उसके साथ हम क्लब करके एक मोनालिसा की बोलती हुई हम वीडियो जो है यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है कि हम किसी भी इमेज को एक ऑडियबल वीडियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन बेसिकली कुछ एप्लीकेशन तो हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा एप्लीकेशन है कि हम ज्ञान को यूज करके किसी भी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को, किसी भी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर को हम कलर कर सकते हैं। आपको याद होगा मुगले आजम जब 1960 में बनी थी तो ब्लैक एंड व्हाइट में रिलीज हुई थी, लेकिन आई थिंक 2002 या 2003 में मुगले आजम को कलरफुल करके रिलीज किया गया था। तो उस समय उस मुगले आजम मूवी को कलर करने में 1.5 से 2 साल लग गए, ठीक है। लेकिन अगर हम ज्ञान का यूज करके, जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क का यूज करके अगर मुगले आजम को आज अगर कलरफुल वीडियो के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो आई थिंक महज 1 से 2 हफ्ते ही लगेंगे और हमारी जो पूरी पूरी ब्लैक एंड व्हाइट मुगले आजम मूवी है वो कलर्ड मूवी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये एक एप्लीकेशन है जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क। अच्छा ये तो अभी तक हमने बेसिकली ये देखा कि जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क का यूज करके बेसिकली हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है, और वो नेटवर्क काम कैसे करता है, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस है। तो ये सारी तो अभी हमने अच्छाइयाँ देख ली ज्ञान की। ज्ञान की कमियों को देखें कि ज्ञान से क्या क्या नुकसान हमारी टेक्नोलॉजी हमारी सोसाइटी को हो सकता है। तो बेसिकली इसको समझने के लिए आप यहाँ देख रहे होंगे एक वीडियो एक मूवी की एक क्लिप हमने यहाँ यूज किया है जिसमें पहले वाले इमेज में इस इमेज में जो अर्नोल्ड है वो हाथ में गन लिए हुए खड़ा है, ठीक है। दूसरी इमेज में क्लिंट ईस्टवुड है जो कि एक एक्टर है जो कि सेम पहले वाले इमेज की तरह ही दिख रहा है। तो बेसिकली हमने यहाँ किया क्या है कि ज्ञान को यूज करके इस वाले इमेज को इस वाले इमेज में कन्वर्ट कर दिया। अब लोगों को क्या लगेगा कि इस मूवी में अर्नोल्ड नहीं है, ये कौन इस मूवी में, क्लिंट ईस्टवुड है। तो कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी रियल चीज को फेक चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप कोई कुछ भी गलत इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि ये बराक ओबामा की रियल इमेज थी, ठीक है, राइट हैंड साइड बराक ओबामा की है, ये रियल इमेज थी। आपने क्या किया, अब आपने इस रियल इमेज को एक फेक इमेज में कन्वर्ट करने की कोशिश की, ठीक है। तो बेसिकली आपने यहाँ बेसिकली कर क्या रहे हैं, एक डीप न्यूरल नेटवर्क को यूज करके एक फेक एक्टिविटी को आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो ऑपरेशन है जो आपके ओरिजिनल डेटा को फेक डेटा में कन्वर्ट करता है, यही डीप फेक कहलाता है, और जो आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, सपोज करिए डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है, अगर डोनाल्ड ट्रंप के किसी 5 मिनट की स्पीच में जिसमें वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा बोल रहे हो, ठीक है, डेवलपमेंट की बात कर रहे हो और दूसरे देशों से दोस्ती की बात कर रहे हो, साउथ नॉर्थ कोरिया से दोस्ती की बात कर रहे हो, तो ऐसी उनकी कोई एक इमेज जो है अगर सोशल मीडिया पे आई और कोई एक वीडियो सोशल मीडिया पे आई और किसी ने उस वीडियो को ज्ञान यानी जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क पे अप्लाई करके एक फेक वीडियो बना दिया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते हुए दिख रहे हैं
कि मैं साउथ कोरिया सॉरी नॉर्थ कोरिया पे अटैक कर दूंगा और नॉर्थ कोरिया का अस्तित्व खत्म कर दूंगा, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं बोला। लेकिन ज्ञान का यूज करके हमने उस वीडियो पे गलत ऑडियो इन्फॉर्मेशन डाल करके, उस डोनाल्ड ट्रंप के फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज करके हमने एक ऐसी वीडियो जनरेट कर दी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते हुए दिख रहे हैं कि वो नॉर्थ कोरिया पे हमला करेंगे, उस युद्ध करेंगे और उसके अस्तित्व को खत्म कर देंगे। तो ऐसे स्टेटमेंट से यानी इस टेक्नोलॉजी को यूज करके इस तरह का भ्रम फैला करके हो सकता है कि वर्ल्ड वार जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए। तो कहीं ना कहीं डीप न्यूरल नेटवर्क हमारे लिए अगर बहुत हद तक अच्छा भी है तो इसका इसका दुरुपयोग करके हम इसको समाज के लिए बहुत ही घातक बना सकते हैं। तो ये था हमारा जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क, जो कि एक तरह का न्यूरल नेटवर्क है जिसमें दो तरह के न्यूरल नेटवर्क यूज होते हैं, पहला हमारा जनरेटर और दूसरा हमारा डिस्क्रिमिनेटर। यही दो मेन रोल प्लेयर हैं इस जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क में। होप सो आपको समझ में आया हो।